फ्रेंड्स, अगर आपके पास मोटो G04S फोन है तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस फोन में जो आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं आखिर वो सेव कहाँ होती है, कैसे उसे आप ढूंढ पाएंगे और कहाँ पर वो मिल जाती है आपको। यहाँ पर आपको करना क्या है, अपना फोन का जो डायलर होता है डायलर को ओपन करना है। आपको हम कॉल रिकॉर्ड करके भी यहाँ पर दिखाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे 123 हम डायल कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए हम ये SIM2 से डायल कर दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही कॉल कनेक्ट हो जाती है वैसे ही यहाँ रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी देखिए हम रिकॉर्ड करते हैं इसको और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया हमने। देखिए कॉल जो है रिकॉर्ड होने लगी है, इसको हम कट कर देते हैं और ये रिकॉर्डिंग जो है सेव हो गई है। अब आपको देखना है कि रिकॉर्डिंग आपकी सेव कहाँ पर है, क्योंकि आपको ये जब अभी आप अपने गैलरी में देखते हैं या मेमोरी कार्ड में देखते हैं तो आपको नहीं मिलता है ढूंढने से। आपको देखना कहाँ है, आप देखिए यहाँ पर ये माइक्रोफोन का ऑप्शन दिखा है, जहाँ पर हमने डायल किया था वहीं पे देखिए ये माइक्रोफोन का ऑप्शन दिख रहा है छोटा सा माइक जैसा। तो हम यहीं पे एक बार टैप करेंगे और ये देखिए रिकॉर्डिंग आपको यहीं पर दिख जाएगी। ये रिकॉर्डिंग है आपकी, ये जो रिकॉर्ड हुई है, और यहीं से आप ब्लॉक कर सकते हैं, यहाँ से हिस्ट्री जान सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यहीं से सुन सकते हैं आप। तो इतने ऑप्शन यहाँ मिलते हैं, अगर आप दोबारा इसको टैप कर देंगे तो ये इस तरीके से शॉर्ट में हो जाता है। तो यहीं से आप रिकॉर्डिंग अपनी सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर लीजिएगा।